गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन पढ़ते हैं जून डन, जो कि जैकोबियन एज में आते हैं। इनकी टाइमलाइन है 1572 टू 1631। डन इज़ पर्टिकुलरली फेमस फॉर हिज मास्टरी ऑफ मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स। मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स के लिए ये फेमस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डन को मोनार्क ऑफ विट बुलाया जाता है, मोनार्क ऑफ विट बुलाया जाता है। द मेटाफिजिकल पोइट्स फ्रीज कॉइन इन 1781। मेटाफिजिकल पोइट्स जो फ्रीज है ये कॉइन हुई 1781 में बाय सैमुअल जॉनसन, जॉनसन के द्वारा। फॉलोइंग अ कमेंट ऑन डन बाय ड्राइडन। तो ये क्या एक कमेंट करा था किसने, डन बाय जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन ने डन के ऊपर एक कमेंट करा है और ये फ्रीज जो है वो कॉइन करी गई सैमुअल जॉनसन के द्वारा, कब, 1781 में। डन्स अर्लियर करियर वॉज ऑल्सो नोटेबल फॉर हिज एरोटिक पोइट्री, स्पेशली हिज एलिजीज। ये एलिजीज और एरोटिक पोइट्री के लिए जाना जाता है। बाय थैंटोस जो है इसका एक वर्क है जॉन डन का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये सुसाइड का बचाव करता है। ठीक है, जॉन डन रिटन इन 1608। देखो बाय थैंटोस 1608 में लिखा गया, पब्लिश इसकी डेथ के बाद हुआ, एंड पब्लिश आफ्टर इज डेथ इन डिफेंस ऑफ सेल्फ होमिसाइड, दैट इज सुसाइड। जॉन डन कॉइन सेवरल वेल नोन फ्रेजेस, बड़ी सारी वेल नोन फ्रेजेस कॉइन करी हैं, जैसे बोथ नो मैन इज एन आईलैंड एंड फॉर हूम द बेल टॉल्स। ठीक है, ये इसकी फ्रेजेस हैं। हिज वेल नोन पोइम्स आर, इसके वेल नोन पोइम्स की बात करें, द गुड मोरो, द कैनोनाइजेशन, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, डेथ बी नॉट प्राउड फॉर हूम द बेल टॉल्स, सन राइजिंग एक्सेट्रा। मतलब ऐसी बड़ी सारी पोइम्स हैं जो जॉन डन की हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि मेटाफिजिकल कंसीट्स किसके साथ एसोसिएटेड है, डन के साथ। ठीक है, 1608 में क्या लिखा गया, बाय थैंटोस किस चीज़ में, किसके लिए लिखा गया, डिफेंस करा गया किस चीज़ का, सुसाइड का। इसके अलावा मेटाफिजिकल कंसीट्स तो इसकी है ही हैं, है ना। इसके अलावा इसकी जो फ्रेजेस इसने कॉइन करी हैं, फॉर हूम द बेल टोल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है। नो मैन इज़ एन आइलैंड, ये वाली। ठीक है, इसकी वेल नोन पोइम्स की बात करें, द गुड मोरो, द कैनोनाइजेशन, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, डेथ बी नॉट प्राउड। ठीक है, स्टार जो था मॉर्निंग में भी था और उसको इस चीज़ का प्राउड नहीं था। उसके बाद बेल्स जो है वो बजती हैं और सन जो है वो आ जाता है। ठीक है, कुछ भी करके आप रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हो। जॉन डन में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यस, इसकी जो पोइट्री है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी हैं जो हमें लर्न करनी है। ठीक है, वो भी आप लर्न कर लेना। थैंक यू सो वेरी मच।